भारत के चंद्रयान चंद्रमा ऑर्बिटर ने भारी तादाद में रहस्यमय सोलर फ्लेयर्स का पता लगाते हुए इनको सूचीवृत किया है। एक नए शोध ने सूर्य के वायुमंडल से आने वाले रहस्यमय धीमी गति से बढ़ने वाले और अत्यधिक गर्म विस्फोटों की एक सूची बनाई है। इससे पता चलता है कि इन अजीब तरह की सुस्त चमक की पर्याप्त मात्रा जो पहली बार 1980 के दशक में खोजी गई थी एक गहरी जांच की आवश्यकता है। धीमी गति से बनने वाले सोलर फ्लेयर्स की सबसे व्यापक सूची से पता चलता है कि ये सभी तेज नहीं होती है। सोलर फ्लेयर्स ऊर्जा के विस्फोट है जो तब घटती है जब सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रॉस करती हैं या फिर टूट जाती हैं और अंधेरे स्थानों के आसपास फिर से जुड़ जाती हैं। इनको सनस्पॉट कहा जाता है। ये रेडिएशन अगर तेज हो तो उपग्रहों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, यहां तक कि पृथ्वी पर बिजली और संचार बुनियादी ढांचों को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक चलने वाले सोलर फ्लेयर्स को उनके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि इस नए शोध ने सोलर फ्लेयर्स को उस गति के आधार पर वर्गीकृत किया है जिस पर उनकी ऊर्जा वास्तव में बनती है। ये दर्शाता है कि कई सोलर फ्लेयर्स चाबुक के झटके जितनी तेजी से ऊर्जा नहीं छोड़ते और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। चंद्रयान 2 के लूनर ऑर्बिटर का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं की टीम ने 3 साल में धीमी गति से बढ़ने वाले ऐसे 1400 ज्वालाओं का पता लगाया है। इससे पिछले 40 वर्षों के सौर अध्ययन के दौरान पाई गई लगभग 100 धीमी ज्वालाओं की सूची में एक अहम वृद्धि हुई है। फिलहाल चंद्रयान के इस कारनामे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।